आप लोग कितना दिक्कत होता है ये सड़क को यूज करने के लिए? पूरा यहाँ में नया नया गाड़ी सब ये ईटानगर से लेके आता है, पूरा सड़के पूरा खराब होके ईटानगर में पहुँच जाता है। ये तो तेरा 10 साल जैसा लगेगा क्या? रहेगा पछते रहेगा, जो बारिश होते रहेगा, पानी आते रहेगा, सिलों गिरते रहेगा ना, लैंडस्लाइड होते रहेगा और खराब होते ही रहेगा जी। कभी दिन 1 किलोमीटर जैसे आदमी को बुक के दूसरा गाड़ी में पहुंचा देता है। मत पैकेज एट में हो रहा है वाई इट इज सो बिकॉज पैकेज एट में ऐसा प्रॉब्लम था, आपका टीके कंपनी को दिया हुआ था, टीके कंपनी जो टेंडर जीत के काम कराया तो इनकेपेबिलिटी से, तो इसलिए उसका टेंडर को हम लोग कैंसिल करना, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है। संग्राम बीच में अभी रास्ता खराब है तो उसमें बीच में इसका एक तो टेंडर तो कैंसिल हो गया था। नमस्कार सभी को, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हैं कोलोरंग पे, हालांकि अभी तक हम कोलोरंग पहुंचा नहीं है, हम कोलोरंग कुछ काम के लिए जा रहे हैं। यहाँ में हमें ये देखने को आया है कि यहाँ से आपका पालिन से लेके यानी कि करादादी से लेके यहाँ कोलोरंग का कुरुंगुमे का जो सड़क है ये बिल्कुल खराब है। हमें इसका जो असलियत को पता नहीं, ये यहाँ का लोग का कहना है बहुत सालों से ये खराब है और यहाँ पे काम करते रहते ये, लेकिन हमें ये देखने को आया कि यहाँ पे जो मशीनरी है वो बहुत कम है। यहाँ पे आपको यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक मशीन यहाँ पे है और दूसरे जो 4-5 किलोमीटर के दूरी पर दूसरे मशीनरी है, वहाँ पे भी एक कुछ कोई कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ का जो सड़क का हालत है बिल्कुल ख़राब है। अभी ये भी रोड जो है ब्लॉक होके है, आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ पे वो रोड को क्लियर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त इस एग्जैक्ट ये जगह जो है हम आप सभी को दिखाएंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बोर्ड पे दिखाइए, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रेंची बोलते हैं ये जगह को। तो हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, अभी लगभग हम आधे घंटे हो गए यहाँ पे फंसे हुए और यहाँ पे ब्लॉक पॉइंट है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं पोकलेन एक क्लियर कर रहे हैं। और यहाँ का हालत जो है, जो सड़क का स्थिति बिल्कुल ख़राब है। देखिए ये कुरुंग नदी है, आप सब देख सकते हैं ये कुरुंग नदी है ये। और यहाँ पे मैं आप सभी को एक वहाँ जैसे हम आए हैं उस सड़क का जो कुछ फुटेज है आप सभी को हम दिखाएंगे। यहाँ का रोड बिल्कुल ख़राब है, आप सभी को हम दिखाएंगे कि इस सड़क पे आते हुए हमारा जो गाड़ी का जो हमारा कार का जो बम्पर भी पीछे का जो वो टूट गया। और यहाँ कितने लोग ऐसे होंगे कि यहाँ पे जो कार मतलब अपने जो कार जो डैमेज होते हैं यहाँ आने वाले लोग, आप देख सकते हैं हमारा जो ये कार है यहाँ नीचे, क्योंकि बहुत ख़राब है सड़क जो है इसलिए हमारा ये जो बम्पर भी टूट गया है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, हम उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये रोड ये सड़क जो है ना कितना साल से ये ख़राब है? अभी ये तो बहुत दिन से है, लेकिन ये अभी 2017-18 से शुरू हो रहा है ख़राब। पहले तो रहा पुराना रास्ता में ठीक था, हाईवे कटिंग कर रहा है अभी, ये 17-18 से उल्टा खराब हो रहा है जी। आप लोग कितना दिक्कत होता है ये सड़क को यूज़ करने के लिए? पूरा यहाँ में नया नया गाड़ी सब ये ईटानगर से लेके आता है, पूरा सड़के पूरा खराब होके ईटानगर में पहुँच जाता है। कोई लोग आधा यहाँ में डेलर में फंस के रखा है, बनाने के लिए पैसा नहीं है जी। समझ सकते हैं क्योंकि अभी हमारा भी आप देख सकते हैं बम्पर जो है पीछे का टूट गया, तो आप लोग को तो बहुत तकलीफ़ होते होंगे यहाँ पे। और यहाँ का मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन है और आप उनसे इस चैनल के माध्यम से आप उसे क्या अपील करना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर को? लेकिन ये जो लेकिन खराब होने से भी ना थोड़ा ये जल्दी कर देने से ही ठीक है। अच्छा है थोड़ा जल्दी रास्ता को बना के ये आधा पूरा कटिंग करके रखा है ना, कटिंग करके रखने का साथ में सोलिंग करके ये ड्रेन बना के कलबत बना के ना, ऐसा जाने से थोड़ा रास्ता अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा, काम नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं ये कब तक ख़त्म हो जाएंगे? ये तो तेरा 10 साल जैसा लगेगा क्या?
अच्छा, आप लोग कभी इस विषय में आप लोग कभी रिप्रेजेंटेटिव आपका डीसी से बात करते हैं? नहीं, हम कभी करके नहीं देखा जी। भाई आपका नाम क्या है? चरा कामिन जी। हाँ जी, चरा कामिन जी है। एग्जैक्ट ये जगह को क्या बोलते हैं? ये रियंगची। रियंगची जी। हाँ, रियंगची मेन पॉइंट, उधर में मिडिल स्कूल है। जी जी जी। ये जगह का नाम जो है रियंगची है। और देखिए, इनका कहना है ये इसे सड़क को ठीक करने में बहुत साल लग जाएंगे, यानी कि 10 साल लग जाएंगे इनका कहना है। आप सब देख सकते हैं। और अब यहाँ पे है कंट्रेक्टर, अगर इस सड़क को काम लिए है तो यहाँ का मशीनरी भी थोड़ा लगा दीजिए ताकि काम जल्द से जल्द हो। और जैसे कि इन लोग अभी तकलीफ हो रहे हैं जी, कुछ कह रहे हैं, सोलिंग मार मार के जाने से जल्दी हो जाएगा। जो कंप्लीट हुआ है ना, उसको कलबत बना के जाओ, ड्रेन बना के जाओ, उसका बाद सोलिंग मार के जाओ, तब ठीक होगा। नहीं तो कभी नहीं होगा, पछते रहेगा। जो बारिश होते रहेगा, पानी आते रहेगा, स्लिप गिरते रहेगा ना, लैंडस्लाइड होते रहेगा और खराब होते ही रहेगा जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग कुछ मेजर ऐसे भगवान ना चाहे तो कुछ बीमार होते हैं, आपको जहाँ जाना पड़ा, ईटानगर जाना पड़ा, तो आप लोग कैसे इस सड़क से पार होके चलते हैं? नहीं, ज़बरदस्ती कभी दिन उधर से काम है, बोलो रास्ता है, उधर से आधा आधा करके हम लोग ना, या में हम लोग का गाड़ी रखिएगा, उसका बाद दूसरा गाड़ी में जाएगा, ऐसे करके कभी दिन एक किलोमीटर जैसे आदमी को बुक के ही दूसरा गाड़ी में पहुँचा देता है जी। आप इस चैनल के माध्यम से अगर गवर्नमेंट को आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट को हम जो बोलेगा कि लेकिन थोड़ा रास्ता जो ठीक ठाक जल्दी कर देने से ही ठीक है जी। देखिए, हम भी इस चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को, पेमा खांडू गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहूँगा कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। आप अभी सुना यहाँ का लोकलिटी का क्या कहना है, इसीलिए हमारे साथ बने रहेगा। और कल हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ का डीसी को हम इस सड़क के विषय में हम बात करने के लिए, धन्यवाद। कल हम आते वक्त सर, आपका कोलोरेंग का सड़क जो है सर, बहुत ख़राब है, हमारा गाड़ी का बम्पर भी निकल गया सर। और यहाँ पे हमने लोगों से बात किया तो उसने कहा ये बहुत सालों से ऐसा है, खराब है। तो सर, आप एज ए डीसी आप यहाँ का ये कॉन्ट्रेक्टर को क्यों बोलते नहीं है कि जल्दी बनाने को सर? अच्छा, ये हमारा इसमें ये ट्रेंस अरुणाचल हाईवे, तो इसमें हमारा कुरुंग कुमे में आता है पैकेज 5-4 पैकेज है, पैकेज 5, पैकेज 6, पैकेज 7 एंड पैकेज 8, 4 पैकेज आता है। 4 पैकेज से ऑलरेडी हम लोग का 3 पैकेज 5-7 तक तो अभी ऑलमोस्ट 50-60% प्रोग्रेस है। तो पैकेज 8 में आप बोल रहे आपका गाड़ी चंबर कुछ पत्थर में लगा है, कुछ में लगा है, तो हो मत, पैकेज 8 में हो रहा है। वाई इट इज़ सो, बिकॉज पैकेज 8 में ऐसा प्रॉब्लम था, आपका टीके कंपनी को दिया हुआ था, टीके कंपनी जो टेंडर जीत के काम कर रहा है वह तो इनकेपेबिलिटी से, तो इसलिए वो उसका टेंडर को हम लोग कैंसिल करना पड़ा, उसका फार्म को हम लोग कैंसिल करके रिटेंडर करना पड़ा। तो रिटेंडर करने के लिए आपका टाइम बहुत लग गया, आपका अराउंड 7-8 मंथ्स लग गया। इसके बाद अभी द रोड इज अभी शुरुआत हो रहा है, स्पेशली पैकेज 8 का, दैट इज अराउंड 20 किलोमीटर्स। अदर तो आपका इतना तो नहीं है, सब ऑलमोस्ट 50% तो चल रहा है, वॉक इज प्रोग्रेसिंग। अभी ये बोला तो दैट इज हमारा गलती, दैट इज दैट डज नॉट मीन दैट एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है या इधर का रिप्रेजेंटेटिव कमजोर है, इसलिए पैकेज 8 का नहीं हुआ बोल नहीं सकता है, बिकॉज दिस इज डिले ड्यू टू डिले ऑफ दिस टेंडर प्रोसेस। तो अभी पुनः इंदा बोल के एक फार्म है जीरो का, वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अभी वह शुरू करा है, वी आर मोनिटोरिंग डे बाई डे, वो जल्दी हो जाएगा। सर, ये कब तक खत्म हो जाएंगे ये पैकेज 8 का? क्योंकि सर यहाँ पे मशीनरी भी हम देखने को आए, मशीनरी भी बहुत कम है सर। पैकेज 8 का एक्चुअली ट्रिगेज है आपका दिसंबर ये 2023 का दिसंबर को खत्म होना है बोलता है। इसमें होगा क्या नहीं होगा वो हम लोग देख लेगा, अभी बोलने से जी सर। ये बात मशीनरी में हम लोग तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, एंड अभी ऑलमोस्ट स्टिल में दिस रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, अभी बारिश सीजन खत्म नहीं हुआ है। बारिश सीजन खत्म होने के साथ साथ मशीनरी और ज़्यादा लेके आएगा, अभी तक क्रेशर मशीन नहीं लाया है और कुछ मशीन बहुत मशीन नहीं लाया है। जब वेदर अच्छा होगा तो आपका इसे लास्ट पार्ट ऑफ सितंबर या फर्स्ट पार्ट ऑफ अक्टूबर से दमादम काम शुरू होगा। आई थिंक
उसमें हमारा जल्दी हो जाएगा काम। तो मैं आपसे भी मैं एक सवाल करना चाहूँगा, कल हम ईटानगर से आए हैं तो सर यहाँ का सड़क जो है बहुत खराब कंडीशन में है सर, हमारा गाड़ी के ऊपर तो पत्थर भी गिरा था और हमारा बम्पर भी टूट गया सर आते वक्त, आपका यहाँ का रोड कंडीशन ऐसा क्यों है? यहाँ का रोड कंडीशन जैसे हमारा नीचे तो संग्राम से नीचे तो ठीक है, कोलरियंग तो ये जो ये कोलरियंग तो संग्राम बीच में अभी रास्ता खराब है, तो उसमें बीच में इसका एक तो टेंडर तो कैंसिल हो गया था, तो उसको री टेंडर का अभी काम शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग पंचायत टीम इसको पूछ रहा है तो काम हम लोग अभी शुरू है, सीजन थोड़ा आने दो तो ये आने वाला सीजन में इसको ठीक ठाक कर देगा, हम लोग को ये कमिटमेंट कर रहे हैं। सर हम कल सड़क पे आपका यहाँ का लोकलिटी को मिला था, उनसे भी बातचीत हुआ तो उनका कहना है ये बहुत सालों से ऐसे चल रहे हैं, खास करके पैकेज 8 का हालत बिल्कुल ख़राब है सर, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे कंट्रेक्टर को कि कब तक ख़त्म करने के लिए सर? तो उसको हम ये इसको डीसी हमारा कुरुंग में डीसी बिंगा नगरी सर को भी हम लोग बोला है, अभी हम लोग पंचायत टीम इसको ग्राउंड रिपोर्ट को अभी पूछताछ करेगा उसमें एग्जैक्टली क्या इसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी मशीन भी आया है बोला है, कुछ मशीन आया है लेकिन कम है, तो ये मशीन से हमारा यह रोड नहीं होगा, जो अभी हम लोग कॉन्ट्रेक्टर को भी वही रिक्वेस्ट करेगा आपका मशीन को ज़्यादा लाओ, तो इसी हिसाब में अभी हम लोग टीम भी पंचायत टीम भी घूमेगा अभी पूछताछ करेगा, उस समय तो बारिश सरिश था ना, अभी तो सीजन आ रहा है हम लोग उसमें फॉलो करेगा।